नाइन्थ सीरियल आज हम दो नंबर सेवन कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रेशर। नेक्स्ट कल तक हमने डेंसिटी स्टडी की, आज हम पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर क्या है? उर्दू में भी इसको हम प्रेशर ही लिखते हैं, ठीक है, लेकिन इसका लफ्ज मतलब होता है दबाव। प्रेशर का लफ्ज मतलब उर्दू में क्या होता है जी? दबाव। प्रेशर ये क्या है? आमतौर पर जब स्टार्ट से पहले बता दूँ कि हम आमतौर पर कहते हैं कि जो मुझ पे फ्लान का प्रेशर है, मुझ पर प्रेशर है जी, वो एक दबाव होता है, स्ट्रेस होता है, मेंटली स्ट्रेस होता है। फिजिक्स की मीनिंग में प्रेशर क्या है ये देखते हैं। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया, किसी भी एरिया पर नॉर्मली परपेंडिकुलरली फोर्स जो असर करती है ऑन सरफेस, सतह पर, सरफेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। किसी भी सतह पर परपेंडिकुलरली जो फोर्स असर करती है, नॉर्मली जो फोर्स असर करती है वो होता है प्रेशर। फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन सरफेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर मिला। अब आप स्केलर डायग्राम पर पढ़ चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, मींस कि इट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड ओनली। इसको आप कंप्लीटली जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब करते हैं, इसकी जो डायरेक्शन है वो नहीं होती, नो डायरेक्शन, मतलब आपको इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत जो है वो नहीं होती। कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड, इट इज स्केलर क्वांटिटी। अगर हम प्रेशर का मैथमेटिकल रिलेशन देखें तो प्रेशर इक्वल है फोर्स आवर एरिया, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, ठीक है, ये प्रेशर है, प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। अब ये बात आपको वाजह होनी चाहिए कि जो एरिया पर फोर्स असर कर रही है वो फोर्स जो है परपेंडिकुलर होगी। आपके पास कोई सरफेस है इस पर इस तरह नॉर्मल ये होता है, ये नॉर्मल 90 ग्राम है। अगर इस तरह सरफेस है इसका नॉर्मल ये बनेगा, ये 90, तो ये सरफेस है इस पर नॉर्मली परपेंडिकुलरली 90 के एंगल पर फोर्स असर करती है तो प्रेशर होता है। अब लेट जैसे मेरी थ्योरी है, अब यहाँ इस पर हम बोलते हैं फोर्स प्रेस, पंप को प्रेस कर, ये प्रेशर असर करता है। या पॉइंट से वाइट बोर्ड पर इस तरह परपेंडिकुलर 90 के एंगल प्रेशर असर, प्रेशर फोर्स तो लग रही है एरिया पे, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि 90 के एंगल पर, 90 परपेंडिकुलर, आप बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स जो है उस पर अमल करते हैं, इसको हम कहते हैं प्रेशर। प्रेशर पी से रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स को, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं एरिया को, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसका यूनिट देखते हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होता है पास्कल। पास्कल पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इज द एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर कैसे यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर का यूनिट है पास्कल, पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं पास्कल, साइंटिस्ट का उसके नाम से। अगर हम आपको कहा जाए कि डिफाइन पास्कल या व्हाट इज वन पास्कल, डिफाइन वन पास्कल, आपने डेफिनेशन करनी है पास्कल की, कि पास्कल जो है इसकी डेफिनेशन करें, यूनिट जो है एरिया का जो यूनिट है इसकी आप डेफिनेशन करें। अब कैजुअली स्टूडेंट्स को जो है यूनिट की डेफिनेशन करना ज़रा मुश्किल लगती है, डिफाइंड पास्कल, डिफाइंड न्यूटन, हम कहते हैं डिफाइंड न्यूटन, तो स्टूडेंट न्यूटन फोर्स का जो यूनिट है उसकी बजाय न्यूटन साइंटिस्ट को बताना शुरू कर देता है, ये न्यूटन एक साइंस नाम था, दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, तो सेम गिरा नहीं। जब आपको कहा जाए डिफाइंड यूनिट न्यूटन या डिफाइंड न्यूटन, तब आपने यूनिट ही बताया। अब यहाँ पे आपको कहा जाए डिफाइंड पास्कल, आपके लिए बहुत ही आसान तरीका,
ये है कि आप मैथमेटिकल रिलेशन से देखो, पास्कल जो है ये फोर्स का यूनिट है, सॉरी प्रेशर का यूनिट है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। अब यहां से देखेंगे आप, यहां से आप देखें फोर्स एरिया, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, डिफाइन 1 पास्कल। यहां से आप देखें, आप कहें कि इफ 1 न्यूटन फोर्स, अगर 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया या 1 मीटर स्क्वायर एरिया, अगर 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर नॉर्मली परपेंडिकुलरली अमल कर रही है, तो इससे जो प्रेशर पैदा होगा वो 1 पास्कल होगा। इफ 1 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग या 1 न्यूटन फोर्स इज एग्जर्टिंग ऑन यूनिट एरिया नॉर्मली, देन प्रेशर इज 1 पास्कल। इसका यूनिट क्या होगा? इफ 1 न्यूटन फोर्स इज नॉर्मली एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया देन प्रेशर इज 1 पास्कल। एक न्यूटन फोर्स किसी यूनिट एरिया पर परपेंडिकुलरली अमल कर रही है, जो प्रेशर होगा वो 1 पास्कल होगा। इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये आपको कहते हैं। इसमें हमें ये, इसके बाद हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? ये पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर, छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर जो है, ये एटमॉस्फेयर जो आपको कहते हैं एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर का लफ्जी मतलब होता है पूरा हवाई, ठीक है। वो क्या है एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर हमारी जमीन जो है, अर्थ, ये अर्थ है, इसको हवाओं ने घेरा हुआ है, हवा ने इसको जो है घेरा हुआ है, एक कवर किया हुआ है, जैसे गिलाफ, ठीक है, अर्थ को जो है एयर ने कवर किया, ये होती है एटमॉस्फेयर। अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, कवर ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, वो कहलाती है एटमॉस्फेयर। और वो जो एटमॉस्फेयर है, इट एग्जर्ट प्रेशर ऑन अर्थ, ये प्रेशर लगाती है जमीन पर, इस पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स पर, उस प्रेशर को हम कह देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो एयर कवर है, ये सी लेवल से कुछ किलोमीटर्स, थाउजेंड्स किलोमीटर अबव होते हैं, और एज वी गो अपवर्ड, एज अल्टीट्यूड इंक्रीजेस, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम बुलंदी पर जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होने लगता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या बनेगी? अवर अर्थ इज सराउंडिंग
by air that exert pressure, it is called atmospheric pressure. Atmospheric pressure. हमारी जमीन को हवा ने कवर किया हुआ है, घेरा हुआ है, वो प्रेशर लगा रही है, उस प्रेशर को हम कह देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर लगाती है, ठीक है, प्रेशर लगाती है एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये प्रेशर लगा रही है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पे, किस तरह प्रेशर लग रहा है, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट, एक एग्जाम्पल जो है वो स्टडी करते हैं। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट यूज किया कि हमने एक स्टीम केन ले, ये हमने जी केन लिया, ठीक है, इसके लेट ऊपर टकरा, जैसे घी का एक डब्बा होता है, खाली कंटेनर डब्बा, ठीक है ना, ये टिन का है, ये कंटेनर है, ये हमने खाली, इसके अंदर हम बाद में पानी थोड़ा सा, मतलब फुल ना भरे, इसके अंदर हम वाटर लें, पानी लें, इसका जो ढक्कन है इसकी कैप उतार दें, ये घी का डब्बा होता है, उतार लें, खाली खोलें, इसकी आप कैप उतार दें, फिर आप इसको गर्म करें, हीट दें, आपने हीट दी, हीट कितनी देनी है, आप इतनी हीट देनी है कि वाटर जो है ये बॉयल होना शुरू हो जाए, पानी उबलना शुरू हो जाए, कुछ देर के बाद जब पानी उबलेगा तो ऊपर से आपको जो स्टीम निकलती हुई दिखाई देगी, ये हमारे पास है स्टीम, ठीक है। अब जैसे पानी बॉयल हो रहा है, हम इसको हीट सोर्स को बंद करें, इस डब्बा जो है, जो टिन है, इसके ऊपर कैप लगाएं, कैप लगा कर इसको हम रखें, कैप लगाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर फिर हम ठंडा पानी डालें, वाटर, जैसे हम पानी डालेंगे थोड़ी देर के बाद ही ये जो टिन है ये इस तरह ऐसे डी शेप हो जाएगा, या आप इस तरह बना लें, जैसे आप ऐसे ऐसे ये इस तरह हो जाएगा, ये टिन डी शेप हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, हमने तो पानी डाला, इसको हीट तो नहीं किया, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि हमने इसको हीट किया है, इसको हमने जरब लगाई, जरब तो नहीं लगाई, हीट तो नहीं किया, ये अच्छा था, टीम ठीक ठाक था, डी शेप क्यों हो गया। असल बात यह है कि जब ये टीम खाली था, इसके अंदर हवा मौजूद थी, एयर, ये इसकी क्या है पैलेट, इसके अंदर एयर थी, हवा थी, वो इसकी वाल्व पर प्रेशर लगाती है और एक प्रेशर बाहर से लग रहा है, ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं और ये टीम की शेप जो है ये बरकरार है, शेप अपनी ओरिजिनल फॉर्म है, ये इस तरह। और जब आपने पानी डाला, बॉयल किया, तो आपको पता है कि जब स्टीम ऊपर की तरफ गई, इस खाली हिस्से में पानी हमने फुल ही डाला था, आधा डाला था, मैंने आपको बताया, इस खाली हिस्से में जो एयर मौजूद थी, हवा जो मौजूद थी, वो भी स्टीम की मदद से जो है बाहर चली गई, एयर जो अंदर मौजूद थी, अब ये अंदर से खाली हो गया, ठीक है, पानी मौजूद है लेकिन एयर नहीं है, एयर सारी गर्म होकर ऊपर चली गई। आपने जैसे इसकी कैप बंद की, इस पर पानी डाला, जो अंदर स्टीम थी वो ठंडी होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, पानी में चली हो गई, ऊपर वाला हिस्सा इसका खाली रह गया। अब क्योंकि ऊपर हवा नहीं है लेकिन बाहर से एयर
मौजूद है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, इसको डी शेप कर देती है ऐसे या ऐसे, इसको ये डी शेप कर लेती है। इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि अंदर की एयर थी वो प्रेशर लगा रही थी, जब तक प्रेशर लग रहा था इसकी शेप ठीक थी, जब अंदर वाला प्रेशर लो हुआ बाहर वाले प्रेशर में इसको डी शेप कर दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये वाजे होता है कि हार्ड ऑब्जेक्ट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का असर होता है। जैसे हम लोग आमतौर पर बच्चे जो है देखते हैं प्लास्टिक की बोतल हो, ठीक है, कोक वगैरह की खाली बोतल है, उसको ले खाली बोतल को लेते हैं मुँह में रख के हवा को सक करते हैं, हवा को निकालते हैं, जैसे आप हवा को सक करते हैं वो जो बोतल है वो डी शेप हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर वाली जो उसके अंदर वाला एयर है वो आ गई, खत्म हो गई, और प्रेशर जो है अंदर प्रेशर नहीं है, बाहर वाले प्रेशर ने उसको डी शेप कर दिया। तो इसको हम कह रहे थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर से लगते हैं, और जैसे जैसे हम अर्थ से बुलंदी पर जाते हैं एयर यू गो अपवर्ड, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये लो होना शुरू हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये भी होता भाई है, प्रेशर ये है फोर्स अवर एरिया, यहाँ पे जो है फोर्स लग रही है एयर की वजह से, एरिया पे लग रही है, यार ये भी प्रेशर है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, कवर ऑफ एयर की वजह से होता है, इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक बात ये भी आप देखें, ये हमारे पास जो मैथमेटिकल रिलेशन है, इस रिलेशन में आप देखें प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया का। क्या मतलब है? फोर्स जितनी बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा, बेशक फोर्स हवा की तरफ से बढ़े या आप वैसे फोर्स लगा रहे हैं किसी भी चीज पर, ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर भी फोर्स लगा रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है। बाय इंक्रीजिंग फोर्स प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस, बाय डिक्रीजिंग द फोर्स प्रेशर डिक्रीजेस। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया के बढ़ने से प्रेशर कम होता है, एरिया के कम होने से प्रेशर बढ़ता है। बाय इंक्रीजिंग एरिया प्रेशर डिक्रीजिंग, बाय डिक्रीजिंग एरिया प्रेशर इंक्रीजिंग। प्रेशर जो है ये एरिया के बढ़ाने से कम होता है। तो बेटा आज आप ये देखिए प्रेशर इसके साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये आप इसके एग्जांपल देखें, आपको जो चीज़ समझ में आए आप पूछें, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।